नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूँ आपके साथ नेहा। और एक बार फिर से हम लेकर आ गए हैं शो इलेक्शन व्हील, जहाँ आपको दिखाएंगे बड़े शहरों की बड़ी चुनावी खबरें। तो शो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं अपने शो की इस व्हील को घुमाने के साथ और देखते हैं कि सबसे पहला प्रदेश कौन सा आता है इस निशाने के सामने, और फिर वहां की बड़ी चुनावी खबरें आपको दिखाई जाएंगी। सिर्फ एक दिन दूर है अब सातवें चरण के चुनाव होने से, आगे भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि हिमाचल पर आकर चक्का रुक चुका है। तो देख लेते हैं हिमाचल में क्या कुछ चल रहा है चुनावी तैयारियों के लिए। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। लोकसभा चुनाव 2019 में हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट पर पिछली बार लोकसभा चुनावों में भाजपा प्रत्याशी राम स्वरूप शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को हराया था। आपको बता दें कि मंडी लोकसभा सीट के अंतर्गत 17 विधानसभा सीटें हैं। भाजपा ने यहां अपने मौजूदा सांसद राम स्वरूप शर्मा पर एक बार फिर भरोसा जताया है। वहीं कांग्रेस ने भाजपा सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे अनिल शर्मा के बेटे आश्रय शर्मा को अपना प्रत्याशी चुना है। मंडी संसदीय सीट से इस बार सबसे अधिक 17 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वहीं अगर हमीरपुर लोकसभा सीट की बात की जाए तो 3 बार के बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर 4थी बार यहां से किस्मत आजमा रहे हैं। अनुराग के सामने यहां कांग्रेस की ओर से पूर्व एथलीट, हिमाचल सरकार में मंत्री रह चुके नैना देवी इलाके से विधायक रामलाल ठाकुर मैदान में हैं। राजपूत बहुल इलाके में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने यहाँ ठाकुर चेहरे उतारे हैं। हमीरपुर, ऊना और कांगड़ा जिलों के देहरा तक फैले हमीरपुर संसदीय इलाके में कुल 17 असेंबली सीटें हैं। न्यूज डेस्क। आपकी यात्रा के दौरान आपकी कार का इंजन जूझता है गर्मी से, स्लज से और घिसाव से। हराइए गर्मी को, स्लज को और घिसाव को सुरक्षा की ढाल से। सर्वो फ्यूचुरा जी प्लस सिंथेटिक इंजन ऑयल आपके कार इंजन की सुरक्षा ढाल, जो दे ईंधन में 2% की बचत भी। सर्वो फ्यूचुरा जी प्लस इंडियन ऑयल की पेशकश। तो हिमाचल से अभी आपने देखी इलेक्शन व्हील की बड़ी खबर। आगे बढ़ते हैं और शो को भी आगे बढ़ाते हैं, और शो को आगे बढ़ाने के लिए इस चक्के को घुमाना पड़ेगा जो हम घुमा चुके हैं। अब देखते हैं कि चक्का किस प्रदेश पर आकर रुकता है। इलेक्शन व्हील में ये चक्का ही हमें बताता है कि कौन से प्रदेश की बड़ी चुनावी खबर आपको दिखाई जानी है। तो यहाँ पर फिलहाल चक्का रुका है जम्मू कश्मीर में आके। तो एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दिया है। क्या कहा है उन्होंने, देखते हैं इलेक्शन व्हील की इस खबर में। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। चुनावी माहौल में नेताओं के आरोप प्रत्यारोपों का दौर कुछ ज्यादा ही ट्रेंड होने लगता है। अब पीडीपी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली की खान मार्केट का नाम बदले जाने पर एतराज जताते हुए कहा है कि इसका नाम बदले जाने से इसके और देश के विकास में मुस्लिमों के योगदान को नहीं झुठलाया जा सकता। उन्होंने लिखा कि ऐसा करना नापाक है। विभाजन के समय पाकिस्तान से हिंदुओं को सुरक्षित भारत पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले सरदार अब्दुल गफार खान के नाम पर इस बाजार को खान मार्केट का नाम दिया गया। अब इसका नाम बदलकर वाल्मीकि रखने से तो इलेक्शन व्हील में खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा जब तक सभी खबरें आपको दिखा नहीं दी जाती। लोकसभा चुनावों का माहौल जारी है, सिर्फ एक चरण के चुनाव बाकी हैं। आने वाली 19 मई यानी कल ये चरण भी पूरे हो जाएंगे, और उसके बाद इंतजार है सबको 23 मई का, क्योंकि रिजल्ट 23 मई को आएंगे और पता चल जाएगा हमें कि कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री। फिलहाल यहां पर अगला प्रदेश पंजाब आ गया है, तो देख लेते हैं पंजाब से क्या है इलेक्शन व्हील की खबर। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ते हिंदुस्तान दा पैसा बाहर भेज दे, की फर्क है ना ते उन्हें, देयर इज नो डिफरेंस। 6वीं 7वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दा जवाब नहीं दिता। सुना है सरहदों पे तनाव है, जरा पता तो करो क्या चुनाव है, उथे खड़ जांदा कख नहीं लपना।
लोग पूछते हैं, दे जवाब। ना मंदिर की बात हो, ना मस्जिद की बात हो, प्रजा बेरोजगार है। पहले निवालों की बात हो, किसान की पगड़ी की बात हो, औरत के सम्मान की बात हो, गरीब की रोटी की बात हो। ना राम मिला, ना रोजगार मिला, हर गली में मोबाइल चलाता हुआ एक बेरोजगार मिला। दे जवाब नरेंद्र मोदी। आपकी यात्रा के दौरान आपकी कार का इंजन जूझता है गर्मी से, स्लज से और घिसाव से। हराइए गर्मी को, स्लज को और घिसाव को सुरक्षा की ढाल से। सर्वो फ्यूचुरा जी प्लस सिंथेटिक इंजन ऑयल आपके कार इंजन की सुरक्षा ढाल, जो दे ईंधन में 2% की बचत भी। सर्वो फ्यूचुरा जी प्लस इंडियन ऑयल की पेशकश। तो देखा आपने पंजाब से सिद्धू ने एक बार फिर से अपने बयानों से सुर्खियां बटोरी हैं। आरोप प्रत्यारोप नेताओं के इसी तरह जारी रहेंगे जब तक 23 मई को रिजल्ट नहीं आ जाते हैं। फिलहाल हमें इंतजार है इस चक्के के रुकने का, क्योंकि ये रुकेगा तब हमें पता लगेगा कि अगला प्रदेश कौन सा होगा और कहां की बड़ी खबर आपको दिखाई जानी है। तो यहां पर आप देख रहे हैं हरियाणा पर आकर रुक चुका है चक्का, तो देख लेते हैं हरियाणा से क्या है इलेक्शन व्हील की बड़ी खबर। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हमारे पास ईश्वर बोस्ती हैं, वही उनके ये जो अपने कृष्ण बेदी मंत्री जी हैं उनके रिलेटिव हैं, तो उन्होंने कंप्लेंट दी थी। ईश्वर है राजेंद्र कुलदीप और एक अजय के नाम, इन्होंने कृष्ण बेदी जी को इनको गाड़ी रोज दी, तो उस समय हमने पाई रोज कर दी 294,500 सही सर। अभी तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई रूम जाती है। आपकी यात्रा के दौरान आपकी कार का इंजन जूझता है गर्मी से, स्लज से और घिसाव से। हराइए गर्मी को, स्लज को और घिसाव को सुरक्षा की ढाल से। सर्वो फ्यूचुरा जी प्लस सिंथेटिक इंजन ऑयल आपके कार इंजन की सुरक्षा ढाल, जो दे ईंधन में 2% की बचत भी। सर्वो फ्यूचुरा जी प्लस इंडियन ऑयल की पेशकश। मध्य प्रदेश से अभी आपने देखी इलेक्शन व्हील की चुनावी बड़ी खबर, जिस खबर का असर हो रहा है पूरे प्रदेश पर, साथ ही प्रदेश के हर एक जन पर यानी जनता पर। फिलहाल हम भी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के लिए चक्का हम घुमा चुके हैं, अब देखते हैं कि ये कहां पर आकर रुकता है। तो ये रुक चुका है, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश पर आकर रुका है, तो देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से नरेश अग्रवाल ने क्या कुछ कहा अपने इस बयान में। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मैंने तो चुनाव में कहा कि इस धरती पर आजम खां कलंक है, और आजम खां हिंदू मुसलमानवाद के अलावा दूसरा कुछ सोचते नहीं, और रामपुर में अब की आजम खां को मुसलमान ही बुरी तरीके से हराएगा, क्योंकि उन्होंने 5 साल बच्ची रह के जिस तरह रामपुर को तबाह किया। आजम अपनी हैसियत जान लेंगे और उन्हें कोई मरवा नहीं रहा है, वो तो सिर्फ एक पब्लिक संपत्ति के लिए इतना बात कर। आपकी यात्रा के दौरान आपकी कार का इंजन जूझता है गर्मी से, स्लज से और घिसाव से। हराइए गर्मी को, स्लज को और घिसाव को सुरक्षा की ढाल से। सर्वो फ्यूचुरा जी प्लस सिंथेटिक इंजन ऑयल आपके कार इंजन की सुरक्षा ढाल, जो दे ईंधन में 2% की बचत भी। सर्वो फ्यूचुरा जी प्लस इंडियन ऑयल की पेशकश।
तो उत्तर प्रदेश, अभी आपने देखा कि नरेश अग्रवाल ने क्या कुछ कहा अपने बयानों में, क्योंकि लोकसभा चुनाव इस वक्त चल रहे हैं, विपक्षी पार्टियों पर इसी तरह निशाने साधे जा रहे हैं, शब्दों के बाढ़ चल रहे हैं और कहीं ना कहीं जाकर वो लग भी रहे हैं। फिलहाल हमने अपना चक्का घुमा दिया है और देखते हैं ये कहां पर आकर रुकता है। बिहार पर आकर रुका है चक्का, तो बिहार पहुंचे शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव प्रचार के लिए, देखते हैं उन्होंने क्या कहा इसमें। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जिस तरह से बदले की राजनीति की गई और जिस तरह से जो लोग उसके जिम्मेदार हैं, उनके जेल के लिए, उनकी प्रताड़ना के लिए, आज वही लोग सामने आ रहे हैं वोट मांगने। चारों तरफ गांव गांव, जैसा सुबोध जी ने कहा, गरीबों के यहाँ जितने लोग हैं जो भेज कर कांग्रेस के न्याय योजना के प्रति बहुत ही इच्छा और अपेक्षा से देख रहे हैं। 72,000 रुपये आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, 6,000 मंथली और ये सारा उतना आपको पता है। तो एक तरफ उधर देख रहे हैं और एक तरफ ये भी देख रहे हैं कि जल्द से जल्द कैसे इंसाफ हो हमारे अपने पारिवारिक मिले लालू यादव जी के साथ भी, ताकि ये नारा उनका चरितार्थ हो, जेल का फाटक टूटेगा, लालू यादव छूटेगा। इस नारों के साथ, इस भावना के साथ और मेरे अपने अनुभव के साथ, जो मैं देश के कोने कोने में देखा, मैं कहीं कहा दुनिया में भेज रहे थे, मैं पार्टी के लिए काम कर रहा था, कांग्रेस पार्टी का स्टार प्रचारक होने के नाते जगह जगह देश में गया, कर्नाटका गया, महाराष्ट्र गया, जगह जगह बहुत सारे जगह गए, झारखंड गया, कहां कहां नहीं गया। और उसके आधार पर कह सकता हूं एक जबरदस्त मोदी लहर, तो शायद आज मोदी कहर में बदल चुका है, लेकिन बहुत जबरदस्त समर्थन का जनसैलाब है और जरा भी अतिशयोक्ति नहीं हुई। अलग चंद रोज की बात है कि अगर आप देखेंगे तो चंद रोज के बाद आप पाएंगे कि महागठबंधन जो है कई जगह तो उनके पक्षे उड़ा देगा, उन लोगों को, उन पार्टियों के, उन नेताओं के, और कई जगह तो हिस्सा स्वीपिंग रिजल्ट देगा। आपकी यात्रा के दौरान आपकी कार का इंजन जूझता है गर्मी से, स्लज से और घिसाव से, हराइए गर्मी को, स्लज को और घिसाव को सुरक्षा की ढाल से। सर्वो फ्यूचुरा जी प्लस सिंथेटिक इंजन ऑयल आपके कार इंजन की सुरक्षा ढाल, जो दे ईंधन में 2% की बचत भी। सर्वो फ्यूचुरा जी प्लस इंडियन ऑयल की पेशकश। तो इलेक्शन व्हील में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार चलता रहेगा जब तक आपको बड़े प्रदेशों की बड़ी चुनावी खबरें दिखा नहीं दी जाती, और उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि अब चक्का जब रुकेगा तो कौन सा प्रदेश उसके सामने होगा। आप देख रहे हैं झारखंड पर आकर रुका है, तो नजर डाल लेते हैं झारखंड के इलेक्शन व्हील की इस खबर पर। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आपकी यात्रा के दौरान आपकी कार का इंजन जूझता है गर्मी से, स्लज से और घिसाव से, हराइए गर्मी को, स्लज को और घिसाव को सुरक्षा की ढाल से। सर्वो फ्यूचुरा जी प्लस सिंथेटिक इंजन ऑयल आपके कार इंजन की सुरक्षा ढाल, जो दे ईंधन में 2% की बचत भी। सर्वो फ्यूचुरा जी प्लस इंडियन ऑयल की पेशकश।
तो देखते हैं कि अगला प्रदेश अब कौन सा आता है इलेक्शन व्हील में, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही चल रहा है और ये चक्का आपको हर प्रदेश की बड़ी चुनावी खबर से इसी तरह रूबरू करवा रहा है। तो देखते हैं अगला प्रदेश आकर रुक गया है राजस्थान पर, तो देख लेते हैं राजस्थान से इलेक्शन व्हील की बड़ी खबर। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। लोकसभा चुनाव के 23 मई को होने वाली मतगणना के लिए जयपुर में तैयारियों की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान मतगणना की तैयारियों को लेकर सभी प्रभारियों को ट्रेनिंग दी गई। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी जगरूप सिंह यादव ने बताया, मतगणना को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उसमें व्यवस्थापन रहेगा और उनको भारत निर्वाचन आयोग के प्राधिकार के तहत जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी उनको अधिकृत करेंगे, उसके तहत वो प्रवेश पा सकेंगे। परिणाम कब तक आंकड़ा परिणाम कब तक जारी हो पाएंगे समय कुछ? परिणाम के बारे में अभी से नहीं बताया जा सकता। परिणाम जैसे काउंटिंग समाप्त हो जाएगी, गणना समाप्त हो जाएगी, तुरंत जारी किया जा सकता। फिलहाल चुनाव आयोग मतगणना की तैयारियों में लगी हुई है, लेकिन जैसे जैसे काउंटिंग की तारीख नजदीक आ रही है वैसे प्रत्याशियों में बेचैनी जरूर बढ़ रही होगी। जयपुर से न्यूज के लिए एवेज पांचाल की रिपोर्ट। आपकी यात्रा के दौरान आपकी कार का इंजन जूझता है गर्मी से, स्लज से और घिसाव से? हराइए गर्मी को, स्लज को और घिसाव को सुरक्षा की ढाल से। सर्वो फ्यूचुरा जी प्लस सिंथेटिक इंजन ऑयल आपके कार इंजन की सुरक्षा ढाल, जो दे ईंधन में 2% की बचत भी। सर्वो फ्यूचुरा जी प्लस इंडियन ऑयल की पेशकश। तो इलेक्शन व्हील में आज आपने देखी बड़े 11 प्रदेशों की बड़ी चुनावी 11 खबरें। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपके लिए लेकर आएंगे बड़ी चुनावी खबरें, लेकिन फिलहाल इस चक्के को यूं ही घुमा देते हैं क्योंकि ये चलता रहेगा तो खबरों का सिलसिला भी यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल आपसे लेते हैं इजाजत, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आप और हमसे क्या जानना चाहते हैं। फिलहाल आपसे लेते हैं विदा, नमस्कार।